नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाएगा और आप सब लोग इस कहानी को सुनकर मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन में बहुत बदलाव लाएंगे और अपने जीवन को बेहतर करोगे। कृपया यदि आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब चलती है कहानी का और। एक समय की बात है, प्राचीन नगर कपिलवस्तु में एक युवक नामक नबीन रहता था। नबीन अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और जीवन के गहरे अर्थ की खोज की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। हालांकि उसका परिवार व्यापारी वर्ग से था और उनकी उम्मीदें थीं कि नबीन परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाएगा। एक दिन जब नबीन कपिलवस्तु की धूमधाम से गुजर रहा था, उसने सुना कि एक बुद्धिमान और जागरूक संत सिद्धार्थ या बुद्ध, जो नाम से भी जाना जाता था, ने अपने राजकुमारी जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक बोध की खोज में कदम से कदम मिलाकर उसे प्राप्त किया था। बुद्ध के शिक्षाओं की कहानियों के प्रेरित होकर नबीन ने निर्णय लिया कि वह भी बोधिसत्व की खोज में निकलेगा। नबीन का यात्रा कठिन था। उसने घने जंगलों का सामना किया, बहती हुई नदियों को पार किया और ऊंची पहाड़ों को चढ़ा। उसने कई चुनौतियों का सामना किया जो उसकी संघर्षशीलता और सहनशीलता का परीक्षण करती रहीं। हालांकि कठिनाइयों के बावजूद नबीन ज्ञान और बुद्धि के संदर्भ में शोध की ओर अग्रसर हुआ रहा। इसी बीच बोधगया के निकट एक शांति भरे बूटे में बुद्ध गहरे ध्यान में रत थे। उनका तेजस्वी प्रसाद और शानदार दृष्टिकोण दूर दूर तक खींचता था। नबीन जब बूटे के पास पहुंचा तो उसे शांति भरी माहौल और बुद्ध के प्रकाशमय वातावरण से प्रभावित हो गया। नबीन विनम्रता से बुद्ध की ओर बढ़ा और उन्हें सच्चे ज्ञान और आत्म शांति के मार्ग की तलाश में भागीदार होने का इच्छुकता जताया। बुद्ध ने अपनी आंखों में दया के साथ नबीन का स्वागत किया और अपनी गहन शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया। दिनों ने सप्ताहों में बदल दिए और नबीन ने बुद्ध की शिक्षाओं में समाहित हो गया। उनकी सामग्री भरपूर जानकर उनके सामने खुद को खो दिया। बुद्ध ने चार आर्य सत्यों को साझा किया, जिसमें दुःख की प्रकृति, उसका उत्पत्ति, निवृत्ति और दुःख के अंत के मार्ग की चर्चा होती है। नबीन ध्यान से सुन रहा था। उसका हृदय बुद्ध के सामने खुल रहा था जो उसके सामने खुलते जा रहे थे। अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही समझ, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं, नबीन के मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए बन गया। नबीन शिक्षाओं में डूबे रहते हुए उसने समझा कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दयालुता को पैदा करना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध अपनी अद्वितीय बुद्धि में स्वार्थरहितता, आत्मनिर्भरता और सभी जीवन के अंतर्बद्धता की महत्वपूर्णता को बताने के लिए किससे और किससे साझा करने लगे। एक दिन बुद्ध ने नबीन को एक नगर में ले जाया जहां एक गरीब परिवार को अपने जीवन को चलाने में समस्याएं थीं। परिवार में एक पिता, एक माता और उनके तीन बच्चे थे। उनकी तंगी के बावजूद परिवार एक सच्चे संतोष और आनंद की भावना रखता था। बुद्ध परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा, नबीन, सच्ची धन की संपत्ति सामग्रियों की प्रचुरता में नहीं है, बल्कि दिल की समृद्धि में है। ये विनम्र जीवन जीने वाले ने कृतज्ञता और करुणा की कला को महारत्ता किया है, जीवन की सरलता में आनंद में सुख पाया है। नबीन को इस शिक्षा से गहरा प्रभाव हुआ और उसने वास्तविक खुशी की सच्ची प्राप्ति की ओर कृष्ण दृष्टि बनाए रखने का महत्व समझा। उसने समझा कि केवल सामग्रियों के पीछे भाग्य तक पहुंचने में सफलता नहीं है। सच्ची खुशी, जैसा कि बुद्ध ने शिक्षा दी, संलग्नता की भावना से उत्पन्न होती है जो भगवान की उपस्थिति के माध्यम से मिलती है। आगामी महीनों में नबीन ने अपनी आत्मा की खोज में और भी बढ़ाई। उसने अपने चेतना में गहरा बदलाव महसूस किया।
उसके मन की अनवरत बहस धीरे धीरे कम हो गई, जो एक गहरी आंतरिक शांति के लिए स्थान बना रही थी। उसने अपने विचारों को आसक्ति के बिना देखने का कल सिखा, समझा कि वे क्षणिक और अनित्य हैं। बुद्ध नबीन की आत्मिक यात्रा में प्रगति को महसूस करते हुए ने एक विशेष शिक्षा साझा करने का निर्णय लिया। वे एक शांत नदी के निकट एक शांत स्थान पर गए, जहां पानी की धीरे धीरे बहुत शांति देने वाली आवाज प्रदान कर रहा था। नबीन, नदी की तरह बन जाओ, बुद्ध ने शुरू किया, अनुग्रह और शांति के साथ बहने वाला। नदी को रुकावट मिलती है, फिर भी वह विरोध नहीं करती, वह केवल उनको चारों ओर से बाहर करने का एक तरीका ढूंढती है। उसी तरह जीवन चुनौतियों को लेकर आएगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपकी आंतरिक स्थिति को निर्धारित करती है। जीवन के उतार चढ़ाव को समता से अपनाएं और आप सच्ची मुक्ति पाएंगे। नबीन ने इन शब्दों को गहराई से विचार किया, जो नदी के मार्ग की उपमहाद्वीप में बसी हुई अद्वितीय बुद्धि में गोपनीय ज्ञान की अभिव्यक्ति करते थे। उसने समझा कि सच्ची खुशी का कुंजी जीवन की अनित्यता को अपनाने और परिवर्तन की धाराओं के साथ बहने में है। जब नबीन अपनी आत्मिक यात्रा पर और भी आगे बढ़ा, वह एक गांव में एक बीमारी से जूझ रहे आदमी से मिला, जिसका नाम आनंद था। आनंद के परिवार ने उसकी स्थिति को देखकर उसकी मदद के लिए बुद्ध की तलाश की थी। अपनी दया भरी आंखों के साथ बुद्ध ने आनंद के पास जाकर मौन ध्यान और स्वीकृति की शक्ति का महत्व साझा किया। नबीन ने देखा, जैसे ही बुद्ध ने आनंद का मार्गदर्शन करना शुरू किया, उसने एक आत्मा के गहरे शांति की भावना खोजने का आश्चर्यजनक परिणाम देखा। आनंद ने ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अपने बीमार शरीर के सीमाओं को पार करते हुए एक गहन आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति पाई। इस अद्वितीय परिवर्तन को देखकर नबीन ने मानव मन की शक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, यह समझा। उसने समझा कि सच्ची मुक्ति उन चुनौतियों से बाहर नहीं निकलने में नहीं है, बल्कि उनके साथ बदल जाने में है। जैसे जैसे दिन बीते, नबीन ने शिक्षाओं को अपने आत्मा में समाहित करते हुए वह बुद्ध के साथ यात्रा करते हुए और अनेक नगरों और गांवों का दौरा करते हुए बोधिसत्व की दिशा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। नबीन अब एक निष्ठा बुद्धि ने बुद्ध की मार्गदर्शन में दूसरों को आदर्श बनाने में बुद्ध की मदद की। एक दिन जब उन्होंने एक नगर से गुजरते हुए यात्रा की, एक समृद्धि केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां लोग सभी जीवन के पहलुओं को अन्वेषण करने के लिए एकत्र हो सकते थे। बुद्ध की शिक्षाओं को नबीन के माध्यम से पूरे पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश का स्रोत बनाए रखना उनका उद्देश्य बन गया। नबीन अब सृष्टा का स्थान लेने वाला ने नगर के कल्याण के लिए अपना पूरा समर्पण किया। उसने एक आत्मिक शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां लोग जीवन की सारथी पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए एकत्र हो सकते थे। बुद्ध की शिक्षाएं नबीन के माध्यम से युगों तक प्रचारित होती रहीं और जीवन की अंतर्दृष्टि की ओर बढ़ने वालों के लिए एक रोशनी बन गईं। और इस प्रकार नबीन और बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक अनुभव के रूप में खुली। उनकी यात्रा के माध्यम से उन्होंने सत्य की ओर जाने के लिए सहारा प्रदान किया, साझा किए गए ज्ञान के माध्यम से जीवन की गहरी अर्थता की खोज की और उनके मार्ग से गुजरने वालों के हृदयों और मनोबल को छू गए। श्रावस्ती नामक नगर एक समय बोधिसत्व के प्रकाश की रोशनी से स्पर्शित होने वाला अंगीकृत जीवन के समय का आनंद लेने के लिए एक साधकों का स्वर्ग बन गया। धन्यवाद दोस्तों कि आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के लिए बने रहें और हमसे जुड़े रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।